माध्यमिक विद्यालय व एन एन पालीवाला जुनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। सुधागड एज्युकेशन सोसायटी ही केया मांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल की। मैं सौ राजेश्री दिलीप पाटिल सहायक शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा दसवीं की कविता क्रमांक 8 गजल, जिसके कवि माणिक वर्मा जी हैं। अब हम माणिक वर्मा जी का जीवन परिचय देखेंगे। वर्मा जी का जन्म सन 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। आपकी प्रमुख कृतियाँ गजल मेरी इबादत, आखिरी पत्ता गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। छात्रों, अब हम कविता को पढ़ेंगे। से किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जल कर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इस कविता में आए हुए नए शब्द को अपने कापियों में लिखिए। पहला शब्द स्वर्णिम का अर्थ है सोने के रंग का सुनहला। गर्द का अर्थ है धूल। शक्ल चेहरा। धुंध का अर्थ है कोहरा। अब हम इस कविता का सरल भावार्थ देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, स्वर्णिम का अर्थ यहाँ पर है सुनहला। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, नींव जिसे हम मराठी में पाया कहते हैं। कवि कहते हैं किसी भी महल के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान प्रशंसा भी करते हैं, लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों का जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव
कि ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो और नींव की ईंटों के समान अच्छे कर्म करो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यदि आप मंजिल की ओर अग्रेसर है तो अपने अच्छे कर्म के कारण उसी प्रकार आसमान तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से लेकर आकाश तक चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देती है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। दूसरे के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर आदमी बनकर दिखो। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हमारा उद्देश्य केवल सजना सवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में भी सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। कवि कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो न घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो छात्रों, यह कवि कहना चाहते हैं मनुष्य के मन में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उन्हें दूसरों का दुख समझना चाहिए, तब जाकर लोग क्यों दुखी हैं। जैसे कि ये मोमबत्ती, इस मोमबत्ती के अंदर का ये जो धागा है ये मोमबत्ती के साथ रहता है। जैसे ये मोम जलता है वैसे ही धागे को धागा जलता है। जैसे धागे को जलने के बारे में दर्द महसूस होता है उसे भी महसूस होता है। यह कवि कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख दर्द को समझेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। उन्होंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। छात्रों, या जुगनू का अर्थ मराठी में जिसे हम काजवा कहते हैं। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। छात्रों, यह कवि कहना चाहते हैं कि जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय
एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। छात्रों यह कवि कहना चाहते हैं मनुष्य एक समाजशील प्राणी है और सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। अगर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यह जो कली है ये डरी हुई है। कोमल कली फूल बनने से डर जाती है। उसे मालूम है कि जब मैं फूल बनूं तो तितली आकर मुझे परेशान करेगी। ऐसे समय उसे हमें सहारा देना चाहिए, उसके मन का डर निकाल देना चाहिए। यह तितली या कली के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो घबराए हुए हैं उनका सहारा बनो, उनके मन का डर निकालने की कोशिश करो। शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखो उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। छात्रों यह कवि कहना चाहते हैं यह सारा जगत मनुष्य का समुद्र ही है। रोज के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं हे ईश्वर मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नजर आओ, क्योंकि तुम सभी जगह हो। छात्रों इस प्रकार हमने पूरे कविता का भावार्थ देखा है। अब हम गृह कार्य को देखेंगे। आपले हक्काचे मराठी चैनल रायगड ओवी न्यूज चैनल सदैव आपल्या सोबत। रायगड ओवी न्यूज चैनल नेहमी पाहत रहा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।